राम राम कर लो तो तू मतलब बता रहा है। मैं नु कह रहा हूं मुझे कुछ पैसों की जरूरत है, दे दे थोड़े बहुत पैसे। बेटा पैसे तो क्या करेगा? मां मुझे लैपटॉप लेगा ना। एक टाइम तो तुझे पैसे चाहिए, कुमत्ता तो है नहीं। पूरे दिन तो तुम मुझसे काम करवाती रहती हो और पैसे देते हो तो मैं जोर पड़ा है। मेरे पे तो पैसे है नहीं, अपने बाप से मांग। हाँ पिताजी से पैसे मांग लूं, वो दे देंगे मुझे। अरे तेरे से तो परेशान आ गए हम तो। तुम तो ऐसे कह रहे हो जैसे मुझे फोर्स कर दिला दियो। काम कर, जाके घेर में चला जा और जाके कुछ काम धंधा देख ले, नहीं तो कान पैसा मांगो तेरे खींच के, तेरी बुद्धि सेट हो जाएगी। जा तुझे सुना नहीं का तेरे पिताजी ने क्या क्या? मैंने बाप तो सबके देखे पर तुम्हारे जैसे बाप ने देखा जो मेरे पे रूमाल तक भी नहीं लगा पाया। तू हमें पागल नहीं समझ रहा है? मैं जा रहा हूँ छोड़ के। बेटा कहाँ जाएगा तू छोड़ के घर पे? मैं कहीं भी जाऊँ तुम्हें क्या मतलब? हाँ भाई कहाँ था? नंगला साया। बता भाई मुझे भी खिला सको क्या? हाँ खेल तो भी खेल, पर एक शर्त होगी। हाँ बता शर्त बता। मैं पैसे रखवा के खेलू। हाँ रखवा के खेल, रखवा के क्या दिक्कत है यार? रख पे। हाँ तू दिया ले रख दिया भाई। चल भाई पत्ते बाट। चलो भाग जाओ यहाँ से, दोबारा नजर ना आइयो खेत में, काट के हिंदाब दूंगा। बेटा लेना हो तो देना, टाइम खराब ना करा मेरा। चलो अंकल जी कमरा दिखवाओ। चल बेटा दिखाओ। Thank you.
क्या बोलते रहते हो? तुझे लड़ने को आ रही? लड़ने को आ रही हूँ मैं, तुम ही लड़ रहे हो। कविता, ए कविता, दो गिलास पानी लिया। भाई तुझे क्या 4,000 रुपए होटल का कमरा लगा दूं यहाँ? अरे अंकल जी का बताओ, मैं 4,000 रुपए दे रहा हूँ तुम्हें, कमरा कमरा तो अच्छा होना चाहिए। भाई एक दिन मैं तो 4-5 दे रहा हूँ, एक अलमारी दे रहा हूँ कपड़े रखने खातर, ये दड़वा नहीं है, ये अलमारी अलमारी लेना हो ले और तुम निकल जाओ। अंकल जी वो बात तो तुम्हारी ठीक है, ये बताओ ये बरसात में टपकता तो नहीं है? भाई जहाँ जहाँ टपकेगा ना तो जगह जगह पतीले ला के लगा देना, तू आराम से रहो। चलो अंकल जी जो होगा देखा जाएगा। अरे भाई सुन, किराया टाइम से पहले मैं जिम में गिरती हूँ। ठीक है अंकल जी, तुम्हें किराया टाइम से मिलेगा। ठीक है भाई, तू आराम कर ले। अरे ना बैठो तो घर ही छोड़ दो। अरे नाना तुम परेशान मत हो, मैं चली जाऊंगी। अरे इसमें परेशान होने की बात है, तुम बैठो। तुम्हारे तो वैसे इतनी चोट लग गई। अरे मेरी छोड़ो, तुम बैठो तो सही। एक मिनट रुक जाओ। ये सब क्यों? बस ऐसे। चल ठीक है, तू अपनी दवाई
हेलो, हाँ शिवम, कहाँ गया? सड़क पर खड़ा है ना, सड़क से अंदर को आ जा तू, मैं आ रहा हूँ बाहर, है ना? जल्दी आ। बस ऐसी है ना, टाइम लग ही जावे आराम आराम से चलना। चलो भाई, तू यहाँ क्यों आ गया? यार तुझे तो पता है मेरी मम्मी पापा से लड़ाई हो गई है, तो तुझे पता मैं यहाँ इसलिए आया हूँ कि मैं यहाँ आराम से रहूँगा। और तुझे पता मैंने क्यों ये पता है? अच्छा, तेरा भाई यही मजे ले रहा। एक मुझे भी दे दियो यार। अरे पहले मुझे यार तो दे, फिर मुझे भी दे। भाग्यवान, तुझे कोई जान से भी है नहीं है, घर में जवान लड़की बैठी है, शादी वगैरह के बारे में सोच रही है। अजी टेंशन तो है, पर क्या करूँ, अभी तो वो पढ़ रही है, पढ़ लेने दो, शादी भी कर ही देंगे। जी बेटा, किधर आओ? मेरे मस्त। ये अंदा कौन है? ये मेरे दोस्त है। चार हजार रुपए में तू पूरे गांव को ला बसा हुआ यहाँ? अंकल जी, बस दो चार दिन की बात है, ये दो चार दिन को आया ये फिर चला जा। चार से पांच दिन ना हो जा। ठीक है अंकल। शिवम बैठ यार, ये बुड्ढा तो बड़ा तेज है। वो तो है यार। गुरु, तू यहाँ रह रहा है इस जन्नत में? यार मैं क्या बताऊँ, तुझे बता मेरी मजबूरी है। अच्छा यार, नहीं वैसे लड़की तुम्हें कैसे पता ही? बस जैसे मैं एक दिन में आया था ना, तो तेरे भाई की भी आपको भाई दिन आई थी, दिन से तेरे भाई के दिल में छा गई लड़ी। वैसे हमारी भाभी है कहाँ? पता नहीं, यही होगा कमरे में। चलो देखें। यार एक आधी सेटिंग मारी करवा दे। मुझे लगे तो फ्रॉक मिले हो, कई दिन हो गए देखते हैं। मुझे पता है, पिछली बार तुमने 15 मई को दी मुझे फ्रॉक। यार तुझे अपनी फ्रॉक भूलता ना, आपने फ्रॉक। चल ठीक है, मैं जा रहा हूँ उसी काम से बाहर, इतने आराम कर। चल ठीक है, जल्दी आ जाइए। पापा है।
भाग्यवान जी किधर आ? हाय तुझे पता है कौन आ रहा? कौन आ रहा जी? मेरा भाई तेरा देवर। अच्छी आप इसके लिए कुछ अच्छा से बना लेना। ठीक है मैं कुछ अच्छा से बना लूंगी, खीर बनाऊंगी, मटर पनीर बनाऊंगी। लो आ गया तुम्हारा देवर। अभी नमस्ते। ये नमस्ते भाई। यहाँ सब ठीक है, तू बता तेरा सफर कैसा रहा? कविता, ए कविता। जी माँ। तेरे चाचा आए, एक ग्लास पानी लिया। अच्छा माँ ठीक है। और सब ठीक था माँ? हाँ अभी सब बढ़िया है। चाचा नमस्ते। नमस्ते। अरे बढ़िया, तो खूब बड़ी हो गई तू। कविता और सही है तू? जी चाचा जी मैं सही हूँ। पढ़ाई कैसी चल रही है तेरी? अच्छी चल रही है। चलो ठीक है, खूब लगन से पढ़ो और अच्छा पढ़ो। ठीक है चाचा। कविता तू चल जाकर रसोई में दो कप चाय बना ले। भाई सुनील तू जाकर मुआ तो ले, इतना चाय बन जाएगी। ठीक है भैया। ठीक है तो तुम दोनों बात करो, मैं खाना बना लेती हूँ। भैया ये लड़का कौन है? भाई ये हमारा नया किरायेदार है। भैया तुमने नया किरायेदार रख रखा है, इसके बारे में कुछ जानते हो? कैसा है कैसा नहीं है कुछ आता पता है इसके बारे में? हमारे घर में जवान बेटी है और तुमने नया किरायेदार रख रखा है, वो भी अकेला लड़का। ऐसे लड़के बहुत आवारा होते हैं, ध्यान रखना। भाई ये लड़का बहुत अच्छा है, तू इसकी चिंता मत कर। पर तू यहाँ पर आ तो गया है, पर किसी से लड़ाई झगड़ा मत करना। ठीक है भाई, मेरा तो इस घर में बोलना ही बेकार है। सुनील क्या तो सही रहा, वही लड़का ऐसा दिख तो रहा नहीं, शरीफ लग रहा है। अनिल भाई देख क्या टॉप की लड़की जा रही। अरे भाई यही तो तेरी भाभी है। अरे बहुत सुपर लड़की पटाई भाई तन्ने तो। अरे तुम हाँ ढपकी आ रही। अनिल तू मेरी भी पी रहा है। तो क्या बात है, मेरी सारी दुनिया पी रहा है। ऐसे क्या देख रही हो? तुम इतने अच्छे हो, कितने गंदे काम करते हो। अनिल
करते उसी की वजह से हुआ है ये सब। अरे कहाँ मैं बीड़ी बीड़ी पी रहा हूँ, मेरे बीड़ी के तो पैसे हैं ना। अच्छा झूठ मत बोलो, फिर ये क्या है बताना, ये क्या मैं पीती हूँ? अरे मैं बताऊँ उसे, मैं इसलिए पी रहा हूँ, प्रेशर बनता हूँ, मैं सोच रहा हूँ प्रेशर की वजह से पी लेना मुझे दादी। तो प्रेशर बनाने के लिए हिंग वाले वगैरह खा लिया कर, तुझे ना पता इससे बड़ा बेहतरीन प्रेशर बने। चल झूठा पत्ता भी जी। एक बात बता, तू मेरे लिए चाय क्यों नहीं बनाई? चाय पता नहीं। चार दिन में चला जाएगा, मैंने कमरे में खुला रखा आपने। इस घर को का धर्मशाला समझ रखा है क्या तूने, जो नए लड़के को लेके आ रहा है? कल से नजर ना आ जाए, भगा दियो से कल को, समझ गया ना? लग तो धर्मशाला सी रही है। धर्मशाला बता रहा है इसे? कल को बढ़ना चाहिए इस घर में, लेकर जियो। धर्मशाला बता रहा है इसे? देखे भाई, इसने तो बहुत तेज चाटा मारा, कान में भी सीटी सी बज रही। तू चिंता मत कर, इसका कुछ ना कुछ इलाज करना ही पड़ेगा मुझे। भाई मैं ना रहूंगा एक मिनट भी, एक कान तो बंद हो ही गया, दूसरा और हो जाएगा। अरे तू तो बिल्कुल ही डर रहा है यार, यूं मान ले हाँ मैं किसी कारण रुक रहा हूँ, इसका साले का भी रहा वापस। यार अमित, जब से उस चाचा ने कान पे मारा है ना, कान की सीटी अभी तक बंद नहीं हो रही। उस चाचा की तलाश में ही तो हूँ मैं, उसे एक बार दिख जाने दो, उसका तो मैं बताऊंगा। हाँ यार नहीं, देख चाचा आ रहा, निकल ले यहाँ से, अगर इसने आना दिखता हुआ देख लिया ना तो मेरे दूसरे कान भी ऐसी कर देगा। अरे आने दे उसे, आज जो मैं कर रहा हूँ ना बस मुझे वही कर लेंगे, अभी बताऊंगा। Thank you.
क्या होता है, तू जानती है मैं कौन हूँ? सॉरी बोल तो दिया, आप कैसे करोगे? गलती आपकी है भैया, देख के आप नहीं चल रहे थे, मैं तो देख के ही चल रही थी। चाल तो बोल रही, पता है कविता, मैं बहुत परेशान हूँ। क्यों? बस तुम्हें क्या बताऊँ, मेरे घर में मेरी शादी की बात चल रही है। क्या शादी की बात? तुम सच बोल रहे हो क्या? हाँ। अगर ऐसी बात है ना तो मैं तुम्हारे बिना मर जाऊंगी यार। अरे पगली, मैं तो मजाक कर रहा था, मैं देखना चाह रहा था तू क्या बोल रही। ऐसा मजाक फिर मत करना। नहीं एक बात बताओ कविता, ये हमारी प्यार की कहानी कब तक चलेगी? मुझे कुछ नहीं पता, मैं अब तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। बस यार मैं क्या करूँ, मैं तुम्हें भगा कर भी नहीं ले सकता। जब मैं तैयार भाग लेंगे तो तुम नहीं हो सकते, हम भाग कर शादी कर लेते हैं, नहीं मान लो मेरी बात। मैं यार तुम्हारे माँ बाप का दिल नहीं तोड़ सकता। तो मान जाएंगे समझो। देखो कविता, मैं ये काम नहीं करना चाहता क्योंकि मैं तुम्हारे माँ बाप की बहुत इज्जत करता हूँ। अरे पापा हमारी शादी नहीं करेंगे। परेशान मत हो, तेरी मेरी कह रही हो, कुछ भी
अनिल साले हरामी, तूने दिखा दिया मुझे औकात, जिस थाने में खाता है इसमें छेद करता है। तू भैया मेरे को पहले से सकता है इसमें, तुमने एक ना सुनी मेरी, हरामी ने दिखा दी ना अपनी औकात। जिसकी वजह तू भाग गया था, टेंशन ना ले। ना पिताजी, मुझे कुछ नहीं चाहिए। जब जाकर रोटी रोटी खा कर बेकार ही हमारे घर से छोड़ दे। यार बहुत मुंहा हो गया, जब से मुझे गुस्सा आ गया मुझे इतनी याद आ रही है उसकी, मैं क्या बताऊं। मुझे रात को नींद आती है, मुझे दिन में नहीं। बीड़ी है तेरे पास? बीड़ी एक ही बच रही है। लगा ले यार तुझे, तो दूसरा बंडल लिया जाके जा। ले यार बीड़ी, मैं मंडल लिया हूँ। जब तू दुकान से मंडल ले। ठीक है। अरे लड़की कौन आ रही है? तो मेरी तरफ आ रही है क्या? आपने अनिल को देखा है क्या? अनिल? मैं किसी अनिल को नहीं जानता जी। अरे वो इसी गांव में तो रहता है, अनिल नाम का लड़का। अरे मैं कविता की बुआ हूँ, गाजियाबाद से आई हूँ। देखा क्या उसको कहीं? अरे अरे कुछ कहा आपने? वैसे आप किसकी बुआ हो? मैं कविता की बुआ हूँ। वैसे आप कौन हो? मैं अनिल का मामा हूँ। मामा? अच्छा, तो अनिल के मामा हो आप? फिर तो और अच्छी बात है। अच्छा बच्चो, मुझे ही चला रहा है अभी, मुझे चकाती हूँ। अनिल का मामा बता रहा है खुद को। अरे नहीं नहीं, वो दोनों बच्चे तो आपस में प्यार करते हैं। प्यार कोई बच्चों का खेल नहीं है, ठीक है? समझा लेना उसको। अरे अरे आराम से बात करो, कोई सुन लेगा तो हमारी आपकी बदनामी हो जाएगी। अच्छा अच्छा ठीक है, मैं समझती हूँ। एक बात बताओ, जब वो दोनों बच्चे आपस में प्यार करते हैं तो उन दोनों का ब्याह कर देना चाहिए। हम ब्याह तो कर देंगे, पर हमारी कुछ शर्तें हैं, जमीन को माननी पड़ेगी। अरे ये तो कविता की अंगूठी लग रही है। ओहो अब बताऊँ, ऐसा मुझे समझ में आ गई, कविता मुझे पागल बनाना आई है। मेरा भांजा कोई शर्त नहीं मान सकता। मेरा भांजा तुम्हारी उस नच्चड़ी से शादी करेगा। क्यों, वो नच्चड़ी है? अरे वो तो बहंगी भी है। वो बहंगी भी है? अरे यार उसे क्या बताऊँ, उसकी तो रहड़ी भी बहती है। उसके रहड़ी भी बहती है? अच्छा बच्चू, वो नच्चड़ी है, काली कलूटी है, अभी बताती हूँ। लगते किसके पैर रखे हैं? पड़ोसी के मांग के लेकर आई थी। मुझे पता चल गई तू का बेटा। तुझे कैसे पता चली? मुझे बेवकूफ माना है।
कविता थी वो अपन गाई थी मुझे पागल बनाने के लिए। अच्छा मुझे मंडल लेना नहीं किया, आप यहाँ मौज ले रहा। चल कोई ले चल मंडल। चल चल रहे हैं यार अब घर। चल भाई तू कब तक उदास रहेगा, तू भूल जा उस लड़की। भाई मैं उस लड़की को भूल नहीं सकता, मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ। भाई इस चक्कर में कुछ नहीं धरा, वो अपना कमार खा। भाई देख मैं उससे मिलने जाऊँ उसके घर, तुझे मेरे साथ देना है या नहीं। भाई मैं तो जाऊँगा, तुझे पता पहले भी उसके चाचा ने हमें मार कर भगाया। भाई तू ऐसा कर, तू मेरा साथ मत दे, बस चला जाए मुझसे। ठीक है भाई जाओ। बेटा अब तू यहाँ से चला जा, अब कुछ फायदा नहीं है। बस मैं एक बार कविता को देखना चाहता हूँ। चला जा तू लल्ला यहाँ से। तेरी मत कैसे यहाँ आएगी? ये लड़का जिसके बारे में तुम बता रहे थे। चाचा, चाचा, ये मुझसे प्यार करता है, इसलिए छुप है, वरना इसके हाथ बंधे हुए नहीं है। बस बहुत हुआ। बकवास बंद कर, आज मैं तोड़ दूंगा इसके। अपने लौंडे को संभाल के ले जा, दोबारा इस गांव में बनना ना चाहिए। हाथ पैर तोड़ दूंगा इसके हाथ पैर। इसे जिंदा को भूख देंगे, तुम्हारे गांव में दिखाई दिए गए हो। चल रहे घर को, अपनी लड़की को संभाल के रखिए। जी से तो मैंने कमरे में बंद कर दिया है। आज बाहर निकल जाओ। पानी पे मड़ा हमारी नाक कटवा दी बिल्कुल उस काम में। इतनी बेइज्जती होने के बाद तू चाहता है मैं तेरा रिश्ता मांगने उस घर में जाऊं? भूल जाए सब। पिताजी मैं शादी करूं तो उससे ही करूंगा, चाहे कुछ भी हो जाओ। यह शादी बच्चों का खेलनी है। माँ मैं पिताजी की मर्जी से शादी नहीं करूंगा, मैं शादी करूंगा तो कविता से करूंगा, नहीं तो घर को दोबारा छोड़ के भाग जाऊंगा। इसकी बुद्धि तो होगी भ्रष्ट। अब शादी तेरी वहां होगी जहां मैं चाहूंगा। मैं ऐसे घर में बिल्कुल नहीं रहना चाहता जिसकी कोई मर्जी नहीं चलती हो। अरे काम इल्ला कर ले जाके कुछ जा, ये दिमाग खराब करे आप भी पिता बिरया सारा दिन। ज्यादा ना डट्टा करो उससे। ऐसा तो घर चली जा और मेरी रोटी घेरो भेज दिए जा। हे भगवान प्लीज मुझे अनिल से मिलवा दो बस एक बार। क्या करूं मैं, क्या करूं? चलो ऐसा करती हूँ, पापा और चाचा तो जंगल गए हैं और माँ सो रही है, तब तक मैं अनिल से मिल के आ जाती हूँ, किसी को पता भी नहीं चलेगा। कविता, ओ, आज ये देखना कविता।
भाई मुझे पूरा विश्वास है उसी लड़के का बात कही होगी। मैं उसे चिंता नहीं छोड़ूंगा, चिंता मार दूंगा उसे। चलो चलो सर भाई। हाँ हाँ, मैंने तुझसे कहा था ना उससे पंगा मत लेना। बुला अपने यार को, देखता हूँ आज से। ये कौन बोल रहा है? चलो आ जाते हैं, जबान संभाल के बात कर। मेरे लड़के भरा कर, उसे बुलाओ ऊपर नीचे। क्या हो पिताजी? बताओ मेरी लड़की कहाँ है? कभी नहीं मिलेगा ऐसा चौधरी साहब, जैसी आपकी मर्जी ऐसा ही होगा। चौधरी साहब महाकाल मैंने सही किया, बहुत अच्छा किया इन दोनों को जो जुदा होने से बचाए और इन दोनों को एक दूसरे के साथ मिलो, बहुत खुश हुई।
जब तक सांस चलेगी यूं ही प्यार करता रहूंगा। ले ले जन्म चाहे कितने भी, हर जन्म तेरे साथ रहूं।